महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है और मैं हूँ इस वक्त उज्जैन में और आज मैं आपको देने वाला हूँ उज्जैन रेलवे स्टेशन का ये टूर व्लॉग और आपको साथ ही साथ ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप यहाँ उज्जैन में अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या बाई रोड जैसे भी आ रहे हैं यहाँ स्टेशन के पास से आप महाकाल मंदिर कैसे जा सकते हैं या उज्जैन में आप स्टेशन के बाहर जो रोड है वहाँ से ऑटो या टैक्सी वगैरह लेके भी आप महाकाल मंदिर कैसे जाने वाले हैं। तो ऑल इवन मैं आज आपको पूरा उज्जैन रेलवे स्टेशन के साथ यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि उज्जैन लोकल टूर भी आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है उज्जैन जंक्शन का मेन एंट्रेंस, प्लेटफॉर्म नंबर एक पे जाने मेन एंट्रेंस यही है। आपको सामान रखने के क्लॉक रूम वगैरह की भी सुविधा अंदर मिल जाएगी, डॉर्मेटरी रिटायरिंग रूम भी आपको मिल जाते हैं ऊपर यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हैं और साथ में यहाँ स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो का टैक्सी स्टैंड ऑटो स्टैंड भी मिल जाएगा। जहाँ से आप महाकाल मंदिर के जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ से ऑटो मिल जाएगा, या अगर आप उज्जैन में लोकल टूर करना चाहते हैं लोकल साइड सीन जिसमें आपका एक दिन लगता है, दो दिन भी लगा सकते हैं आप, तो उसके लिए भी ऑटो आप यहीं से बुक कर सकते हैं। साथ ही बाहर रोड से आपको बसेस भी मिल जाती हैं, वो भी चल के आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि ये तो स्टेशन का पुराना स्ट्रक्चर है, नया स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ जो स्टेशन में जाने के लिए नई एंट्रेंस बनाई हुई है। और स्टेशन भाई देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा अपने देश का राष्ट्र ध्वज, और जैसा कि एस्केलेटर वाली एंट्रेंस भी आपको सामने मिल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि उज्जैन का शास्त्रों के अनुसार पुराना नाम अवंतिका था, तो अवंतिका भी आपको यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा, अवंतिका भी लिखा हुआ यहाँ पर है। और ये तो ऑटो स्टैंड हो गया, और देखिए ये बाहर रोड है, यहाँ पे आपको रात में स्टे करने के लिए होटल्स डॉर्मेट्री वगैरह अच्छे खासे मिल जाएंगे जिनका प्राइस शुरू हो जाता है 250-300 रुपये शुरू हो जाते हैं, और बजट में जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे होटल वगैरह स्टेशन बाहर मिल जाएगा। सामने बसेस देख रहे हैं, ये बसेस आपको उज्जैन महाकाल मंदिर जाने के लिए मिल जाएंगी, साथ में उज्जैन में कहीं लोकल टूर करना है उसके लिए भी बसेस आपको यहीं से मिल जाएंगी। ई रिक्शा भी आप यहाँ चाहें तो बुक कर सकते हैं, बाकी ऑटो भी आप यहाँ रोड से बुक कर सकते हैं। और सामने देख रहे हैं पुराना स्टीम इंजन, इसके साथ खड़े होकर यहाँ पे सेल्फी करना चाहते हैं बाहर से खड़े होकर सेल्फी कर ले सकते हैं। चलिए एक बार स्टेशन के अंदर चलते हैं, आपको टूर दे देता हूँ मैं पूरा अंदर का। जैसे आप स्टेशन में एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर मिल जाएगा, यहाँ से आप अपनी ट्रेन का टाइम वगैरह पूछ सकते हैं। सामने डिस्प्ले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ट्रेन का अराइवल डिपार्चर टाइम, प्लेटफॉर्म नंबर भी, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक। अभी दाहोद इंटरसिटी आई है, भीड़ देख सकते हैं पैसेंजर की। उज्जैन में आप जब कभी भी आएंगे तो आपको यहाँ पे पैसेंजर्स की भीड़ हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि उज्जैन में जैसा जानते हैं कि महाकाल मंदिर जाने के लिए काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो भीड़ यहाँ पर स्टेशन में आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो बाकी जो भी आपके एसी वेटिंग हॉल लॉन्च वगैरह हैं वो सारी इस तरफ, खाने पीने की सुख सुविधाएं भी आपको सब यहीं मिल जाती है, और रिटायरिंग रूम के लिए भी आप इस तरफ से ऊपर जाकर आप रिटायरिंग रूम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिटेल भी दी है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्लॉक रूम भी है जैसा मैं बता रहा था, और ये रिटायरिंग रूम डॉर्मेट्री लिखा है। इधर से रास्ता है, इधर से आगे जाके बाहर निकल के ऊपर सीधे डॉर्मेट्री वगैरह में जाने के लिए रास्ता भी है। स्टेशन के बारे में हिस्ट्री वगैरह जानना चाहते हैं, यहाँ देखिए अंदर स्टेशन पे ही एंट्री का ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं 1861 में स्टेशन बना था, सिंहस्थ कुंभ कितने टाइम में लगता है वो भी यहाँ लिखा है, हर 12 साल में एक बार लगता है, और पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या है उज्जैन में देखने के लायक, और स्टेशन से कितना डिस्टेंस उनका, वो सब डिटेल आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग और डॉर्मेट्री जैसे मैं बता रहा था, देखो यहाँ बोर्ड लगा है डॉर्मेट्री ट्रेनिंग ऑफिसर रेस्ट हाउस, इसके लिए रास्ते बनाए हुए हैं। यहाँ सामने सीढ़ियाँ हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर जो मैंने आपको बाहर दिखाया बाहर से, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आपकी डॉर्मेट्री आई दूंगा। ऑनलाइन बुक करना चाहते हो ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ स्टेशन पे आके आप डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे जाके आप वहाँ काउंटर से बुक करा सकते हैं। और ये रहा यहाँ पे सामने अपर क्लास का वेटिंग हॉल, जो एसी वाले एसी कोच के पैसेंजर्स के लिए होता है, जो लोग एसी कोच में ट्रैवल करते हैं ट्रेन के, या अपर क्लास वाला उनके लिए, स्लीपर क्लास वालों के लिए नहीं है। साथ में लेडीज़ के लिए भी अपर क्लास का रख से बना हुआ है वेटिंग हॉल, ये आप सामने देख सकते हैं। तो आपके साथ लेडीज़ भी ट्रैवल करें या तो आप एक साथ रुक सकते हैं, नहीं तो अगर लेडीज़ को अलग से रेस्ट करना चाहते हैं यहाँ अपर वेटिंग क्लास का जो वेटिंग हॉल है इसमें भेज सकते हैं उन्हें। और ना स्टेशन पर ही आपको इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर ये मल्टीपर्पज़ स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ से आप सुबह दोपहर शाम को कुछ भी खाना है नाश्ता वगैरह आप ले सकते हैं। और सांची का मिल्क पार्लर भी है, जो मध्य प्रदेश का फेमस ब्रांड है सांची, तो इसके भी प्रोडक्ट्स आप चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं।
बाकी आपको स्टेशन पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी स्टॉल मिल जाएगा देखने के लिए। कुछ हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीदना चाहते हैं, कोई भी सामान यहाँ से आप ले सकते हैं जब ये ओपन होता है। और यहाँ स्टेशन पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है बैठने की, जगह जगह आपको बेंचेस मिल जाएंगी और प्लेटफॉर्म भी आपको साफ़ सुथरा मिलेगा, गंदगी भी आपको बिल्कुल देखने के लिए यहाँ नहीं मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ उज्जैन में यात्रियों के लिए जो यहाँ पर भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। उज्जैन जंक्शन की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए आए तो सोशल मीडिया हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पर जाके आप एक बार विजिट कर सकते हैं। नई नई अपडेट्स जो भी होती है मैं वहाँ पर मेंशन करता रहता हूँ। बाकी तो जो भी जर्नीज होंगी वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी अगर आपने बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा होगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।